subject max. Today we will learn chapter 2.9 subtract by borrowing. आप लोग ने subtraction तो करे, subtraction means minus करना, लेकिन today we will do subtraction by borrowing. Borrowing मतलब borrow यानी क्या होता है, किसी से लेना. So that is known as borrow या share करना, that is known as borrowing. So today we will learn subtract by borrowing. Okay? Borrowing means sharing या तो share करना. Okay? Now see, this is tens, this is unit. Number is 4011. Now अभी ये बताओ कि जीरो में से वन आप माइनस कर सकते हो. आपके पास जीरो रुपीज है, आप किसी को वन रुपीज दे सकते हो? नो. तो व्हाट यू विल डू नाउ, ये फोर को कट करेंगे और इसको वन कम कर देंगे, वन लेस करेंगे. तो फोर को वन लेस किए तो कितना हो गया, थ्री. और ये वन इसको दे देंगे तो इट विल बिकम टेन. नाउ टेन में से आपने वन निकाले तो कितना बचता है, मैंने आपको काउंटिंग फॉरवर्ड सिखाई थी कि वन के आगे से आप काउंट करोगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो नाइन आया आंसर. तो आप इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करेंगे काउंटिंग फॉरवर्ड करके. तो टेन में से वन निकाले तो नाइन, थ्री में से वन माइनस किए तो टू. तो ये समय हमने क्या करें, जीरो में से वन माइनस नहीं हो रहा था सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग ने बाद उसे बोरो करे. फोर को वन लेस किए तो थ्री हो गया और उसे वन बोरो करे तो ये टेन हो गया. नाउ सी द नेक्स्ट सम, टेंथ यूनिट, टेंथ के प्लेस पे है नाइन, यूनिट के प्लेस पे है टू. नाउ टू में से थ्री देना. आपके पास अगर टू चॉकलेट है तो आप किसी को थ्री चॉकलेट दे सकते हो? नॉट पॉसिबल. तो अगेन यू विल बोरो. अब बोरो कैसे करेंगे, नाइन को वन लेस करेंगे तो वो हो गया एट, और वो वन इसको देंगे. ओके, वी विल गिव टू टू तो इट विल बिकम ट्वेल्व. ना ट्वेल्व में से थ्री निकालो, आप कैसे करोगे, फॉरवर्ड काउंटिंग करके थ्री के आगे से. तो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, इट इज़ नाइन. ट्वेल्व में से थ्री निकाले तो नाइन. ना एट माइनस फाइव, अगेन यू गो काउंटिंग फॉरवर्ड, सिक्स सेवन एट थ्री, तो आंसर इज 39. अंडरस्टूड कैसे किए, टू में से थ्री माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था तो बाजू से बोरो करें, नाइन को वन प्लस किए तो एट हो गया, यही वन हमने टू को दे दिए तो वो ट्वेल्व हो गया. अब ट्वेल्व में से थ्री माइनस किए तो नाइन, एट में से फाइव माइनस करें तो थ्री. नाउ सी द नेक्स्ट सम, अगेन यह यूनिट में से पहला नंबर क्या है, जीरो. आपको जीरो में से किसी को भी एट देना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब जीरो में से एट सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. अगेन यू विल बोरो फ्रॉम द साइड, टेंस में से बोरो करेंगे. सिक्स है तो वो हो जाएगा फाइव, हमने सिर्फ वन लेस करना है. कितना लेस करेंगे, वन लेस. तो सिक्स में से जब वन लेस करते हो वो फाइव और ये बन जाएगा टेन. तो जीरो ने बोरो किया बाजू में से तो उसको मिला टेन. ना टेन में से हम एट माइनस करेंगे तो नाइन टेन, ओनली टू. काउंट फॉरवर्ड करके ही आपको माइनस करना है. फाइव में से टू सब्ट्रैक्ट किए तो थ्री फोर फाइव, तो थ्री. तो आंसर इज 32. दिस इज वन काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन. आपके रिलायबल में ये तरीके से सॉल्व भी है के ऐसा फॉर्मेट में दिया रहेगा, 30 माइनस 12 बॉक्स में आपको आंसर लिखना है और इस तरीके से सब्ट्रैक्शन भी करना है. सेम आपको बोरो करके ही सब्ट्रैक्शन करना है. जैसे जीरो में से टू सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो अगेन यू विल बोरो. थ्री को कट किए टू, जीरो को वन दिए टेन, टेन में से टू निकाले तो एट. कैसे, थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो एट फिंगर, तो आंसर आया एट. टू में से वन निकालो तो वन, तो सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर यहाँ पे आ रहा है 18, यू विल राइट इन दिस बॉक्स. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सम, 46 माइनस 17. ऐसे तो ये बिगर नंबर दिख रहा है बट नो प्रॉब्लम बेटा, यू विल डिवाइड इन टेंस एंड यूनिट. तो टेंस के प्लेस पे फोर, यूनिट के प्लेस पे सिक्स, दिस 17, टेन के प्लेस पे वन, यूनिट के प्लेस पे सेवन. नाउ सिक्स में से सेवन सब्ट्रैक्ट नहीं होता बिकॉज दिस इज स्मॉलर नंबर. अगर ऊपर स्मॉलर नंबर है और नीचे बिगर नंबर तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. तो कैसे करेंगे, बोरो करेंगे, इसको फाइव करेंगे, इसको 16. 16 में से 7 निकाले तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, 4. फोर में से 1 लेस किए तो वो 3 हो जाएगा. तो 3 में से 1 किए तो 2. ओके,
अगेन आई विल रिपीट, फोर था, फोर को वन लेस किए तो थ्री हो जाएगा, वन इसने बोरो, सिक्स ने बोरो किया तो सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन में से सेवन माइनस करें तो नाइन, थ्री में से वन माइनस करें तो टू, तो दिस 29 यू विल राइट इन द बॉक्स. सो दिस, ये जो टॉपिक है आपके रिलायबल में आपको पेज कंप्लीट करना है, नोटबुक में इस टॉपिक का कुछ भी नहीं लिखना है. आई विल सेंड यू द पेजेस ऑफ रिलायबल कंप्लीटेड. थैंक यू.